नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जिस चीज का इंतजार पिछले काफी समय से हो रहा था, वो इंतजार अब खत्म होने वाला है। जी हां, वैक्सीनेशन को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि अब 12 से 14 साल की उम्र वाले बच्चों को 16 मार्च से ही कोरोना का टीका लगाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक 12 से 14 साल के बच्चों को कॉर्बेवैक्स वैक्सीन लगाई जाएगी। आपको बता दें, कॉर्बेवैक्स को बायोलॉजिकल ई लिमिटेड कंपनी ने बनाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। इसके साथ ही 60 साल से ऊपर के सभी लोग अब बूस्टर डोज भी लगवा सकेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सोमवार को ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, बच्चे सुरक्षित तो देश सुरक्षित। उन्होंने आगे लिखा कि मुझे बताते हुए खुशी है कि 16 मार्च से 12 से 14 साल के बच्चों का कोविड टीकाकरण शुरू हो रहा है। इसके साथ ही 60 से ज्यादा उम्र के सभी लोग अब प्रिकॉशन डोज लगवा पाएंगे। उन्होंने बच्चों और बुजुर्गों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की भी अपील की है। आपको बता दें, भारत में 3 जनवरी से बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ था। पहले चरण में 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन हो रहा है। अब 12 से 14 साल के बच्चों का भी वैक्सीनेशन 16 मार्च से शुरू होने जा रहा है। गौरतलब है कि भारत में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 2503 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 24 घंटे में 4377 लोग इस बीमारी को मात देकर ठीक हुए हैं, जबकि 27 लोगों की इस घातक वायरस से मौत हुई है। आपको बता दें, देश में एक्टिव केस 36168 रह गए हैं। ये 675 दिन में सबसे कम है। वहीं 680 दिन में कोरोना के केस भी सबसे कम मिले हैं। देश में अब तक 180 करोड़ से ज्यादा की वैक्सीन की डोज लग चुकी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।